एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स्ट कंप्यूटर इंदौर। हम लोग उन स्ट्रीम चैप्टर्स के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं, इसका पैरा लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूं, फिर भी यदि किसी व्यक्ति का मिस हो गया तो उसको कुछ सेकंड में हम रिवाइज कर लेते हैं। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, ताकि आप इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें। स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, मैंने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, एक बार ओरल समझा देता हूं। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, या फिर कैरेक्टर का अरे और कैरेक्टर टाइप पॉइंटर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। साथ ही साथ बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो होता है उसका लास्ट लेटर नल होता है, मतलब जैसे ही आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं उसका लास्ट लेटर क्या हो जाता है, नल हो जाता है। मैंने इसका पहला प्रोग्राम आप लोगों को बताया था, वो एक बार मैं 2 मिनट में आपको फॉलोअप कर देता हूं, इसके बाद हम लोगों आगे की बात करते हैं। वॉइड मैन, मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सर एक अरे डिक्लेयर करता हूं, या तो मैं उसको डायनामिक डिक्लेयर करना चाहता हूं तो ऐसा कर सकता हूं। मैंने पॉइंटर n ले लिया, मतलब n के अंदर मैंने genext डाला, तो n की जो लेंथ होगी जितना मैंने genext लिखा है उतनी होगी। और इसकी जगह मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था, आप ऐसा भी कर सकते हैं n10। अब n10 जब आप लेते हैं तो आपकी n0 से लेके n9 तक के अंतर्गत उसके अंतर्गत पॉइंटर बन जाता है अरे के अंतर्गत, जो आप जानते ही हैं कि n0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कोडिंग टाइम पे ही आपने यदि इसमें genext स्टोर कर दिया तो इसमें genext और t आ जाता है, और बाय डिफॉल्ट इसका लास्ट लेटर क्या हो जाता है, नल हो जाता है। ठीक, फिर इसको यदि आपको प्रिंट कराना है, मैं शॉर्ट में printf की जगह pf लिख रहा हूं, आप परसेंटाइल c लिखते हैं, n लिखेंगे तो वैल्यू प्रिंट करेगा, genext नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि n नाम का कोई वेरिएबल के साथ में उसका इंडेक्स नंबर आपको देना पड़ेगा। तो आप यदि n0 लिखेंगे तो ये केवल g प्रिंट करेगा। फिर आपको eb प्रिंट कराना है तो आप n1 n2 इस तरह से पूरा फॉलोअप कर सकते हैं, या फिर आप पूरा एक फॉर लूप लगा सकते हैं क्योंकि आप अरे पढ़ चुके हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस तरह से। printf को मैं वापस से शॉर्ट में pf लिख रहा हूं, परसेंटाइल c, और आप n ऑफ i ले सकते हैं। तो जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वो genext प्रिंट करेगा, लेकिन क्योंकि स्टैटिक वे में जब आप जाएंगे तो बाकी की वैल्यू में जो होगा आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 10 तक चला रहे हो। तो ये इसका एक ड्रॉबैक्स भी है कि जब आप अरे के अंतर्गत उसकी लेंथ 10 लेते हैं तो आपने वैल्यू यदि कम डाली तो बाकी की मेमोरी आपकी क्या होगी, लॉस होगी। ठीक है, और आप डायनामिक लेते हैं तो इसमें आपको ये फायदा है कि आपने जितना डाला है कि उतनी ही वैल्यू वो स्टोर करेगा। आप अपना वर्ड बढ़ा देते हो तो ये अपनी ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर लेगा साइज, लेकिन यदि यहां आप n10 डालते हो और आप 10 लेटर से ज्यादा स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो स्टोर नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट मेमोरी होगी। इस कांस्टेंट मेमोरी को हम स्टैटिक मेमोरी भी बोलते हैं और इसको डायनामिक मेमोरी भी बोला जाता है, इसको हम और आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब इसी प्रोग्राम्स को यदि आपको रन टाइम पे बनाना है कि सर सेम प्रोग्राम यदि मैं रन टाइम पे बनाना चाहूं तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, ठीक है, हेडर फाइल आपको डिक्लेयर करना ही है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपको हमेशा हर प्रोग्राम में दो हेडर फाइल stdio.h और conio.h आपको डिक्लेयर करना ही है। अब रन टाइम पे वैल्यू आपको लेना है, या तो आप इस तरह से फॉलो कर लें या फिर आप इस तरह से अरे बना सकते हैं। इसको हम कैरेक्टर का पॉइंटर बोलते हैं और इसको कैरेक्टर का अरे बोलते हैं। आपने डिक्लेयर किया कोडिंग टाइम पे वैल्यू मैं नहीं ले रहा हूं, मुझे रन टाइम पे वैल्यू लेना है, तो आप प्रिंटएफ स्टेटमेंट लेते हैं। प्रिंटएफ में आप बोलते हैं इंटर स्ट्रिंग, ठीक। अब आप क्योंकि अभी कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो आप स्कैन एफ कराओगे, परसेंटाइल सी। अब आपने अरे ले रखा है तो आपको पहली वैल्यू किसमें डालनी पड़ेगी, एन जीरो में, फिर स्कैन एफ करा के पे दूसरी वैल्यू n1 में, फिर n2 में, इस तरह से आपको नंबर ऑफ टाइम्स पे काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो गई। इसकी जगह पर मैं आपको, क्योंकि आपने लूप पढ़ा हुआ है तो आप इसमें फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, i = 0, i < 10, i++। आई थिंक ये आपको क्लियर है, इन चीजों को आप समझते ही हैं। प्रिंटएफ के अंतर्गत आप इसको लिखते हैं प्रिंटएफ इंटर कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमा बंद, इसके बाद स्कैनएफ के अंतर्गत आप परसेंटाइल सी का यूज करते हैं और
स्लैश एन का आईथ वैल्यू से आप वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं, ठीक, तो आपकी वैल्यू रीड हो जाएगी। लेकिन इसका भी एक शॉर्ट तरीका आ गया है, जब आप आगे फॉलोअप करेंगे, आप प्रिंट एफ इंटर स्ट्रीम, इसमें तो क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम 10 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आगे नई नई चीजें आ गई हैं। इसके अंदर में जहां आप परसेंटाइल सी का यूज कर रहे थे, उसकी जगह आप पूरी स्ट्रिंग को एक साथ रीड करना चाहते हैं, तो परसेंटाइल एस किसका यूज कर लें, परसेंटाइल एस का। अभी तक हम परसेंटाइल सी ये रहे थे, तो परसेंटाइल सी केवल एक एक कैरेक्टर को ले रहा था, अब आपको पूरी कंप्लीट स्ट्रिंग को एक साथ रीड करना है तो परसेंटाइल एस ले लेंगे। और अब आपको एनएथ लेने की जरूरत नहीं है, केवल ए नाम के वेरिएबल में ही पूरी वैल्यू आ जाएगी, और साथ ही साथ इसमें एड्रेस भी नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक एक कैरेक्टर का अलग अलग एड्रेस होता है, और जब आप पूरी स्ट्रिंग लेते हैं तो ये पूरे एड्रेसेस को एक साथ फॉलो करता है, तो एक एक स्ट्रिंग एक एक लेटर पे नहीं जाएगी। तो यहां पर जब आप स्कैन एफ करेंगे तो आपको एम्परसेंड का चिन्ह नहीं लगाना। देखिए, या तो आप ऐसा करते तो 10 बार आपको ऐसा लिखना पड़ता, या तो आप फॉर लूप लगा रहे थे परसेंटाइल सी से, लेकिन आप परसेंटाइल एस का यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या फायदा मिल गया कि सर हमें एन जीरो एन वन एन टू एन थ्री इसकी वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने केवल एन में वैल्यू स्टोर करा दी, तो एन हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, तो एन पूरा का आ गया। और अब साथ ही साथ आप यदि जब आप आउटपुट देखना चाहते हैं, या तो पिछली बार जैसे मैंने आउटपुट दिया था इस तरह से आप आउटपुट ले लें, या फिर उसका एक और शॉर्ट तरीका, आपको जब परसेंटाइल एस मिल चुका है तो आप परसेंटाइल एस को प्रिंट एफ में भी यूज कर सकते हैं, परसेंटाइल एस एन। तो अब ये पूरा का पूरा आपने जो भी स्ट्रिंग रन टाइम पे डाली होगी, लेट सपोज रन टाइम पे आपने जेनेक्स डाला तो जेनेक्स आ जाएगा, कंप्यूटर डाला तो कंप्यूटर आ जाएगा, लेकिन एक, क्योंकि जेनेक्स और कंप्यूटर दो स्ट्रिंग हो गई है, कोई भी एक स्ट्रिंग विदाउट स्पेस जो आप देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। आप यदि स्लैश कैरेक्टर एन 10 लेके देखेंगे तो उसमें 10th कैरेक्टर से ज्यादा की स्पेस नहीं लेगा, लेकिन आपने यदि डायनामिक मेमोरी ली होगी तो आप उसके थ्रू कितना भी बड़ा वर्ड विदाउट स्पेस का ले सकते हैं, गेट सी एच, और इसके बाद आपका प्रोग्राम क्या होता है, खत्म होता है। ठीक, तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, आपको रन टाइम पे स्ट्रिंग ले रहा है और उसको प्रिंट कराने का काम कर रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर्स भी समझ में आया होगा, इसकी आप और प्रैक्टिस कीजिए, आगे के लेक्चर्स में हम आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड डे।